बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मामले में लगातार नए ट्विस्ट आ रहे हैं। जब से परिवार ने सुशांत की गर्लफ्रेंड के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, ये मामला अलग मोड़ ले चुका है। सुशांत की बहन ने भी रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बिहार पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सोविक से संपर्क करने की कोशिश कर रही है। बिहार पुलिस इन दोनों से संपर्क नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि दोनों घर से गायब हो गए हैं। पुलिस के पास मौजूद दस्तावेज में सोविक का पता है। इसी पते पर पुलिस पहुंची, दोनों के नंबरों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कल तक ये नंबर चालू थे, वहीं इस मामले में बयानबाजी भी चालू हो गई है। बिहार और महाराष्ट्र सरकार में मामले को लेकर ठन गई है। बिहार सरकार में एक मंत्री ने रिया को विषकन्या करार दिया है। इस वीडियो में आपको सुशांत मामले में हुए अब तक के सभी अपडेट से रूबरू कराएंगे। सुशांत मामले की सीबीआई जांच के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। आज इस मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट के साथ याचिका दाखिल की है। याचिका में राज्य सरकार का कहना है कि बिहार पुलिस द्वारा मामले की जांच को जारी रहने दिया जाए। सरकार ने रिया चक्रवर्ती की मांग का विरोध किया है। रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि जब तक शीर्ष अदालत में उनकी याचिका लंबित है, तब तक बिहार पुलिस को आगे की जांच करने से रोका जाए। वहीं कल सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले में सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में रिया चक्रवर्ती ने सच कबूल किया है। रिया ने कहा कि वो सुशांत राजपूत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। रिया ने कहा कि उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। सुशांत के जाने के बाद कई धमकी मिल चुकी हैं। रिया ने 15 करोड़ गायब करने के आरोपों को भी इनकार किया है। वहीं इस मामले में सुशांत के सीए का भी बयान आया है। सीए ने कहा कि खाते से कुछ छोटे बड़े ट्रांजैक्शन के अलावा कोई मेजर लेन देन नहीं किया गया है। सुशांत के सीए ने यह भी कहा कि उनका अकाउंट में मौजूद पैसा इतना ज्यादा नहीं था जितना उनके परिवार ने बताया है। किसी के भी खाते में इतना बड़ा ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है। बिहार पुलिस के मुताबिक 6 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, जिनमें सुशांत के कुक, सुशांत की बहन, दोस्त मुकेश शामिल हैं। इनका बयान रिकॉर्ड हुआ है। बिहार पुलिस ने बताया कि अंकिता अपना बयान दर्ज करवाना चाहेंगी तो हम बयान दर्ज करेंगे। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने कहा कि मैं सुशांत को पिछले कई सालों से बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। अंकिता ने ट्वीट करते हुए लिखा कि सच की जीत होगी। सुशांत की फैमिली, फैंस और मैं ये सच जानना चाहते हैं कि सुशांत के साथ क्या हुआ था। मैं सुशांत की फैमिली के लिए स्टैंड लेना चाहती हूँ। मैं उन पर यकीन करती हूँ, उनके पास सबूत होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा इल्जाम लगाया है। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उनके दोस्त महेश कृष्णा सेट्टी का स्टेटमेंट लिया है। सुशांत की बहन ने कहा कि रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उनका घर भी बदलवा दिया था। सुशांत मामले में आज फाइनेंशियल एंगल पर भी जांच की गई। कोटक महिंद्रा बैंक के बैंक मैनेजर से अकाउंट की डिटेल मांगी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने सुशांत सिंह राजपूत केस में एफआईआर की पूरी जानकारी मांगी है। ईडी ने 15 करोड़ रुपए की जानकारी मांगी है। अब ईडी इन पैसों के लेन देन का पूरा लेखा जोखा खंगालेगी। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है। बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर मामले में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी ने रिया चक्रवर्ती को सुपारी किलर करार दिया है। उन्होंने कहा कि रिया सुशांत की जिंदगी में एक सुपारी किलर के तौर पर आई हैं। उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया, सुशांत के पैसे तक हस्तांतरित करवा लिए। रिया चक्रवर्ती एक विषकन्या की तरह हैं, जिसे एक गैंग ने साजिश के तहत सुशांत के पास भेजा था। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बयान दिया है। फडणवीस ने कहा कि मामले को सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर एक बड़ी जनभावना है। राज्य सरकार की अनिच्छा को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय गबन और मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल सामने आने के बाद ईसीआर दर्ज कर सकती है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।